इतने मेरे को नानी जी मैं तेरा ही बेटा वहां ते मामिया ने भी बेटा ही रख ये नहीं आख्या भी साड़ी भैन का बेटा है इतने ही पढ़ाई उन्हें की है इतने ही उन्हें नौकरी ते बाहर गया वे ते आंदा आन के नाना बू मैं भर्ती हो गया ये आंदा कितने हो गया फौज इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल मैं फौजी बन गया वहां ते मैं तुहानू अपने पाकिस्तान का फतेह लैके दसांगा कश्मीर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तुहाडा होस्ट आर के रजाक। जिमें कि मैं तुहानू दस्या सी कि राजा मेजर अजीज़ पट्टी साहब का जिहड़ा मज़ार है जिहड़ी शहादत गाह है उत्थे दा तुहानू मैं विजिट करवाया। असी इस टाइम मौजूद हाँ लाहौर वाल्टन पीर कानूनी मियाँ तैमूर असलम शहीद साहब के घर। असी बेसिक मियाँ तैमूर असलम साहब उन्हां नू उन्हां दे नाना और नानी जी ने पालिया और उत्थे ही जवान होए ने उत्थे ही पले ने उत्थे ही उन्होंने अपनी तलीम हासिल की है और नाना नानी दे घरों ही उन्होंने आर्मी ज्वाइन की फोर्स ज्वाइन की पाकिस्तान आर्मी दे विच उन्होंने जड़ा रहे ने और 2011 दे विच उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की और 2019 अठवां महीना 15 अगस्त नू उन्होंने शहादत नोश फरमाई कश्मीर बार्डर के उत्ते। मजीद तफसीलात असी जानने उन्होंने फैमिली दे कोलों ते चलो साढ़े नाल। अस्सलाम वालेकुम सर जी, साढ़े नाल मौजूद ने मियाँ तैमूर असलम साहब दे मामू जी। असी उन्होंने पहले उन्होंने साडा वेलकम किया उन्होंने मिलने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, ना की तुहाडा सर? सर मोहम्मद तंजीम। मोहम्मद तंजीम साहब उन्होंने तैमूर असलम साहब के मामू जी ने। असी मिलना चाहवांगे हाजी साहब न जड़े कि मियाँ तैमूर असलम दे नाना जी ने और नानी जी उन्होंने उन्होंने पालिया तैमूर असलम साहब न और उन्होंने परवरिश की उन्होंने तलीम दी और अजीम काम किया मियाँ तैमूर असलम साहब ने और असी उस अजीम हस्ती को मिलना चाहवांगे कि जिन्होंने मियाँ तैमूर असलम साहब न जड़ा अजीम दर्श दिता असी उन्होंने मिलना चाहवांगे। आज मियाँ तैमूर असलम का वह घर है जिथे उन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज किया और अपने बुलंद जज्बिया जगाते रहे जी। मियाँ तैमूर असलम साहब दे असी नाना नानी दे घर पहुँच गए हैं और हाई साहब बैठे ने। अस्सलाम वालेकुम जी, बैठो 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 हाई साहब। अस्सलाम वालेकुम नानी जी, क्या हाल है? ठीक है बेटा। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है, शहीद का जो खून है कौम की जकात है। आओ तुहानू मिलाने अजीम शख्सियत मियाँ तैमूर असलम साहब शहीद जड़े मुल्क पाकिस्तान वास्ते जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिता जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी उन्होंने जड़े नाना नानी ने जड़ी उन्होंने फैमिली है जी। असी मियाँ तैमूर असलम साहब दे शहादत साढ़े दिलों के जिंदा ने असी उन्होंने फैमिली दे नाल उन्होंने दुआए खैर करांगे ते उस तो बाद असी प्रोग्राम का आगाज करने मुहम्मद जी। नाजरीन जड़ा असल तरीकाकार है आज़ादी मनाने का और जड़ा असल तरीकाकार है अपने मुल्क पाकिस्तान नू याद करन दा और शहीदां नू याद करन दा वो असल तरीकाकार है कि दुआए खैर की जाए उन्हां दे पिछे ख़त्म दिलाया जाए कुरान खानी करवाई जाए ताकि उन्हां दे जड़े लाहेकीन ने जड़ी फैमिली है उन्हां दा भी हौसला बुलंद होवे। लिहाजा जड़ा असल तरीकाकार है वो यह तरीकाकार है दवाए खैर ना के सलंसर ला के ते शोर शराबा करन दा जड़ा आज़ादी मनाने का तरीका है ना आज़ादी मनाने का तरीका है कि चौकों मोड़ा ते ट्रैफिक जाम करके ते डांस करन दा जड़ा वो तरीका नहीं है आज़ादी मनाने का। असल आज़ादी मनाने का जड़ा तरीकाकार है वह मैं अर्ज कर चुके हाँ
ते मैं उम्मीद करना कि जेड़े दोस्त अहबाब ने जेड़े साडा प्रोग्राम वेख रहे ने वो इस चीज़ नू फॉलो करनगे और वो मजीद साडी जेड़ी पाक आर्मी है उन्हों सपोर्ट करो, अपने मुल्क नू सपोर्ट करो। पंजाबी दा एक मुहावरा कि जम्मन आले नालों पालन आला जेड़ा उन्हों दुख ज़्यादा हुंदा और उहदी अहमियत ज़्यादा हुंदी है। ते साडे नाल मौजूद ने शहीद मियाँ तैमूर असलम साहब की नानी और हाजी रफीक साहब जड़े कि उन्होंने नाना जी ने और उन्होंने मामू जी और दीगर उन्होंने फैमिली है। असी सारे नाल गल करांगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नानी जी अखा नम हो गई ने और जो ऐ गल आती है तो कोई भी शख्स अगर जिदे सीने च दिल है और जिदे दिल दे विच मुहब्बत पाकिस्तान है वो बिल्कुल इस चीज़ नू सीरीयस सुनेगा और वेखदा। ठीक है, तुसी ऐ दसो कि ए जड़े तुहाडे आंसू ने ए मोती ने ए मोतियां नालों भी ज़्यादा अजीम और कीमती ने, क्योंकि तुसी ओ अजीम काम कीता है कि जड़ा अल्लाह तबारक व ताला किसे किसे इंसान नू अता फरमांदा। हर बंदे दी ए मुकद्दरत दे विच ए चीज़ नहीं हुंदी। ते सानू जरा तैमूर असलम शहीद साहब दे जरा बचपन दे बारे थोड़ा जिहा सानू आगाह करो। तैमूर मेरा छोटा जा बेटा सी, मेरे कोल ही रहते ही मेरे कोल नानी जी मैं तेरा ही बेटा वहाँ। तो मामिया ने भी बेटा ही रख के ये नहीं आख्या भी साड़ी भैन का बेटा है। इतने ही पढ़ाई उन्हें की है, बाहर गया वे तो आंदा आन के नाना अबू मैं भर्ती हो गया। ये आंदा किथे हो गया फौज, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल मैं फौजी बन गया वहाँ। तो मैं तुहानू अपने पाकिस्तान का फतेह लैके दसागा कश्मीर का इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल। मैं बहुत ही फखर दे नाल मैं भर्ती होया वहाँ। तो मैं इंशाल्लाह आंदे ने भी तू आ जाएगा जो जावेगा ट्रेनिंग ते आंदा इंशाल्लाह नाना अबू मैं वेखी तेनू बहादुर पुत्र बन के दसागा। तो मैं ट्रेनिंग करके दसागा तो मैं फौज की भी नौकरी तुहानू करके दसागा। इस तरह मेरा पुत्र नौकरी 8 साल उन्हें की है, फिर उहदी मैं शादी की। आंदा मैं कश्मीर जा रहा नानी अम्मी मेरी शादी करनी जे तो कर लो, मेरे मैं छुट्टी नहीं मिलनी। 1.5 साल शादी में होया तो इतों गया मेरा पुत्र राजीव भाजी आई है। तो मैं आंदा अम्मी कुरबानी देनी है, मैं क्या हाँ जी कुरबानी देनी है, मैं तो नहीं आ सकागा। तो मेरे वालों ईद मुबारक दे के तो मेरा पुत इतो ईद दियाँ गल्लां मेरे नाल कीतियां नहीं, ईदों बाद नहीं मेरे नाल गल की। अच्छा, पहले तो तुसी अल्लाह पाक तुहानू सबर और अदल अता फरमाए और अल्लाह पाक तुहानू उन्हां दा सवाब जिहड़ा ता क्यामत तक मिलता रहेगा अलहमदुल्ला। और इंशाल्लाह असी मुसलमान हाँ, साडा ईमान है कि शहीद जिंदा हुंदा, वो साडे दिलां च जिंदा ने, वो साडियां यादां च जिंदा ने। शहीद साडे जिहड़ा ना ता क्यामत तक जिंदा रहणगे। अच्छा, तैमूर साहब किन्ने भैणां भाई सन? 2 भैणां ते 2 भरा। ते तुहाडे कोलों ज़्यादा लाडला सी उहनूं तुसीं पालिया? हाँ जी, मेरी धी बहुत गरीब सन, पिंड था रेंदे सन। मेरा जमदार जिहड़ा असलम है मजदूरी करदा सी राजा मगर बेचारा। मैं क्या तेरा को पढ़ नहीं सकना, इन्हां ने पुत्र पहला दिता सी। मैं क्या तुसीं मैनू दे दिओ, मैं इत्थे पढ़ावांगी, मामिया को रहेगा, पढ़े लिखेगा। तो चलो तुहाडी बेचारे कुछ जद बदल जाएगी तुहाडी, बेचारे गरीब ने पिंड थां दे रहण वाले। तो वह मेरे कोल ही रहा। दूसरी जिहड़ियां उहदे तों छोटियां भैणां ने, फिर छोटा भी भरा है उहदा दा मबीन, वह छोटा है सारा। अच्छा, बचपन दे विच उह तुहाडे कोल जदों आया तैमूर ते उहदा बचपन दे विच किस तरह का वर्ताओ सी, कि शरारती बच्चा या नलायक या लायक, जिस तरह के बच्चे शरारतां करदे ने घरां च उहदा वर्ताओ किस तरह सी? क्योंकि शहीद जिहड़े हुंदे ने ना उन्हां दा वो बचपन तो ही जिहड़ा ना वो एक लहदा ही उन्हां दा जिहड़ा एक सोच विचार उन्हां दियां आदतां एक लहदा हुंदियां ने, तो उन्हां दी आदत किस तरह दी सी? उहदी आदत इस तरह दी सी वी हर एक नूं मामू जी महल्ले वालियां नूं वी करदा फिरदा हुंदा सी। कदी उहदी मैनूं कोई परेशानी वाली गल नहीं सी, कदी उहदा लामा नहीं सी आया। पढ़न वल ध्यान सी, पढ़दा रहा जिथों नौवीं च पढ़दा सी। ते मामे वी बेचारे अपना अपना वक्त पास करदे हुंदे, आंदा मामू जी तुहाडे तों मैं बोझ नहीं बना। नौवीं च पढ़न लिया वे 10वीं के बच्चों की क्लास लेंदा सी, ते मैथ करवाउंदा सी उन्हां दा, उत्थों फीस लैके ते अपनी फीस पूरी करदा सी। इस तरह का लायक मेरा बच्चा सी, बहुत ही लायक सी। यानी कि नाना नानी का घर अपना घर हुंदा, इस घर दे विच रह के भी उन्हें अपने आप नूं बोझ नहीं बनाया, उन्हें जिन्ना हो सकिया मेहनत की उन्हें।
ਤੇ ਉਹ ਤਲੀਮ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 11 ਪਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ। ਹਾਜੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੈਮੂਰ ਅਸਲਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬਚਪਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨੀ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲਾ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦ? ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਾਜੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਵਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੋ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਮੂਰ ਅਸਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਚਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਤਬਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਫਰਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਚਾਅ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੈਮੂਰ ਅਸਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੰਜੂ ਮਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਬੇਟੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲਾਡ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਲੰਮਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲੌਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਮੂਰ ਅਲੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੇਲਣ ਲਈ ਆਪ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਆਖਣਾ